चाचू, जय यीशु। आप सभी कैसे हैं? सब ठीक है ना? तो हम लोग नैतिक शिक्षा की शुरू करने से पहले हम पिता ईश्वर को थोड़ी याद करें अपने मन में। तो आइए हम सभी हाथ जोड़ें और आंखें बंद करें और पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, आज हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हम सभी को एकत्रित किया है आपके वचन को सुनने, समझने और उसके अनुसार चलने के लिए हम सभी को बुलाया है। हे प्रभु, हम सभी को अपनी बुद्धि और ज्ञान से भर दे, ताकि हम जो कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं उसे अच्छे से सुने, समझें और अपने जीवन में लागू कर सकें, उसको अपना सकें। इन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले पाठ में हमने पढ़ चुका है मेल करें। मेल के करें उसके बारे में आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना, समझा और कुछ याद भी होगा। तो ठीक उसी प्रकार हमने अध्याय 10 और 11 और 12 में हम पढ़ेंगे। तो अभी हम मेल मिलाप संस्कार के बारे में हम पढ़ेंगे। मेल मिलाप संस्कार का अर्थ क्या है? मेल मिलाप संस्कार वह संस्कार है जो हमें पापों की क्षमा और फिर पाप में ना गिरने की कृपा एवं शक्ति देकर हमें ईश्वर और भाई बहनों से मेल कराता है। मेल मिलाप संस्कार के द्वारा कलीसिया आज हमारे पापों को क्षमा करती है। कलीसिया के जरिए ही वास्तव में प्रभु मसीह ही हमें पाप मोचन देते हैं। तो एक पिता ने अपने पुत्र को स्वीकार करने के लिए इंतजार करता है, उसी तरह हमारे ईसा मसीह भी हम सभी पापियों को मेल मिलाप संस्कार के द्वारा स्वीकार करने के लिए हमें राह देखते रहते हैं। जिस तरह हम भले ही कितने ही पाप में डूबे हो, लेकिन वह हमें स्वीकार करता है। हम उससे दूर भटक जाते हैं, फिर भी हमें वह पास बुलाता है। मेल मिलाप संस्कार को सुयोग्य रूप से ग्रहण करने के लिए हमें 5 चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला है आत्मा की जांच करते हुए पापों को धूल निकालना। दूसरा है पापों के प्रति पश्चाताप करना। तीसरा है फिर पाप नहीं करने के लिए दृढ़ संकल्प लेना है। चौथा है पुरोहितों को अपने पाप बताना है। पांचवा है पुरोहित द्वारा दिया हुआ प्रायश्चित सजा पूरा करना है। अगर हम माता पिता या भाई बहन के प्रति भूल चूक और स्वयं के प्रति की हुई अपनी भूल चूक के प्रति हम मेल मिलाप या प्रायश्चित करते हैं, तभी तो हम मेल मिलाप के साथ रह सकेंगे। अगर हम मेल मिलाप नहीं हैं तो हम क्या हैं? पाप से दूर हो जाते हैं और पाप की जड़ में जकड़े हुए हैं। इसलिए हम सभी को मेल मिलाप या पश्चाताप करके एक साथ रहना है। यदि किसी वस्तु को हमने गलत रूप से अपनाया है तो उन्हें वापस देना चाहिए, तभी तो हम मेल मिलाप के साथ पश्चाताप करके दोबारा गलत नहीं करना चाहिए। जब हम पाप किया है तो तुरंत माफी मांगनी चाहिए, ताकि हम मेल प्रेम के साथ या पश्चाताप का एक अच्छा संस्कार ग्रहण किया है। मेल मिलाप का मतलब यह है कि हम सभी के साथ मेल प्रेम एकता के साथ रहें। छोटे हो या बड़े हो, सभी का आदर सत्कार करके हम मेल प्रेम के साथ रह सकते हैं। हमारे परिवार में भी जब हम किसी का बर्थडे या किसी त्यौहार में हम अपने आसपास के पड़ोसियों को बुलाते हैं, ताकि हम एक साथ मिलजुल कर क्या करें? त्यौहार मनाएं। उसी तरह हमारे पिता ईश्वर यही चाहता है कि हम मेल प्रेम के साथ रहें। भले ही हमारे बीच में छोटी छोटी गलतियां तो होती है, फिर भी हम उसे क्षमा करते हैं और एक साथ मिलकर त्यौहार या बर्थडे अच्छे से मनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को इतना समझ में आ गया है मेल मिलाप क्या है? तो हम इस चीज़ को अपने जीवन में लागू करें, क्योंकि मेल मिलाप ही हमारा एक अच्छा संस्कार है जो हम अपने
दैनिक जीवन में कर सकते हैं। तो अभी हम दूसरे पाठ की ओर चलते हैं जो रोगी लेपन कहते हैं या अंतमलन संस्कार कहते हैं। रोगी लेपन का अर्थ है जब हम पवित्र वचन में सुनते हैं, एक अर्धांग रोगी को ईसा के पास लाया गया लेकिन भीड़ के कारण उन्हें वहां नहीं पहुंचा सके। फिर उन्होंने ऊपर की छत को खोल दिया और अर्धांग रोगी को ईसा के सामने रख दिया। उनके विश्वास को देखकर ईसा ने उन्हें कहा, अर्धांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है, उठो और अपनी चारपाई उठाकर चले जाओ। तो हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर अंतमलन के अनुसार हमें चंगाई प्रदान करते हैं। रोगी लेपन का अर्थ क्या है? रोगी लेपन वह संस्कार है जो पाप मोचन एवं रोग मुक्त देकर हमारी आत्मा और शरीर को स्वस्थ प्रदान करता है। प्यारे बच्चों, हमने कभी बूढ़े आदमी को सुना है या जो कोई बहुत बीमार है उसको हम अंतमलन के लिए हमारे पल्ली पुरोहित को बुलाते हैं ताकि वह रोगी व्यक्ति के माथे पर तेल का विलेपन करे और उन्हें चंगाई उनके लिए प्रार्थना करें। तभी तो हम उस व्यक्ति को अगर विश्वासपूर्वक हम जब प्रार्थना करते हैं तो वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है और उन्हें ईश्वर उनके पाप को सभी पाप को धो डालता है। संत याकूब अपने पत्र में कहते हैं, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करें, उसके लिए प्रार्थना करें। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचा लेगी और प्रभु उसे स्वस्थ प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। तो संत याकूब अपने पत्र में कहते हैं, अगर कोई ज़्यादा बीमारी है या उसकी अंतिम घड़ी पहुंच चुकी है तो हम अपने पल्ली पुरोहित को बुलाएं, पल्ली पुरोहित तेल का विलेपन कर उसके लिए प्रार्थना करें। जब हम विश्वासपूर्ण प्रार्थना करते हैं तो वह रोगी व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, अगर नहीं तो उसके लिए एक नया जीवन मिलता है, नहीं तो उसकी मरण अच्छी होती है। इसलिए हम कोई भी बहुत बीमार पड़ जाते हैं तो पुरोहितों को बुलाते हैं और पुरोहित रोगी को तेल विलेपन करता और प्रार्थना करता है या अंतमलन देता है। यदि ईसा चाहे तो उसकी मृत्यु शांत हो जाती है और उसके लिए एक नया जीवन मिलता है। लेकिन कोई एकदम सही हो जाता है तो ईसा उन्हें चंगाई प्रदान करता है। तो प्यारे बच्चों, अंतमलन संस्कार के बारे में आप सभी ने सुना, समझा या कुछ सीख लिया होगा, क्योंकि अंतमलन यही है कि हम अंतिम इस धरती की अंतिम यात्रा में हम ईश्वर को अपना सब कुछ सौंप देते हैं और ईश्वर के लिए हम अपने आप को समर्पित करने के लिए हम पुरोहित को बुलाते हैं ताकि पुरोहित हमारे लिए प्रार्थना करें और उसकी रोग स्वस्थ हो जाती है। तो इतना प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा ना? हाँ, तो अभी हम दूसरी क्लास की ओर चलते हैं, वह है पुरोहित अभिषेक संस्कार। पुरोहित हम देखते हैं, पुरोहित अभिषेक, जब पुरोहित जब बलिदान चढ़ाते हैं तो हमेशा हमारे आगे रहते हैं। जिस तरह चरवाहा अपने भेड़ों के सामने रहते हैं उसी तरह पुरोहित हमारे लिए एक भले चरवाहा है, हमारी विश्वास में हमको आगे ले जाता है, ईश्वर से हमारा मेल कराता है। तो पुरोहितों का मतलब यह है, पुरोहित अभिषेक वह संस्कार है जो एक व्यक्ति को कृपादान देकर अधिकार के साथ उपयाजक, पुरोहित या धर्माध्यक्ष नियुक्त करता है, जिसे वह सुसमाचार की घोषणा, संस्कार के अनुष्ठान और अगुवाई द्वारा विश्वासियों की सुश्रूषा करे। तो प्यारे बच्चों, पुरोहितों का कार्य यही है, सुसमाचार की घोषणा करना, संस्कारों के अनुष्ठान को या अगुवाई करना, विश्वासियों को आगे ले आना, यही उनका एक कर्तव्य है। तो प्यारे बच्चों,
ईसा हमारा भला चरवाहा है और हम सब उसकी भेड़ हैं। उसी तरह ईसा ने पुरोहितों को चुनता है ताकि वे लोग सभी ख्रिस्तियों को विश्वास में ला सकें, उनकी रक्षा कर सकें और सुसमाचार का प्रचार कर सकें। विश्वास में दृढ़ रहकर सभी ख्रिस्तियों को ईसा मसीह में ला सकें। शिष्यों के समान ही प्रभु ईसा द्वारा विशेष रूप से चुने हुए और ईसा एवं कलीसिया के प्रति शुश्रूषा करने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित व्यक्ति ही पुरोहित है, क्योंकि पुरोहित कलीसिया और ईसा का प्रति शुश्रूषा करने के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करता है, वही है पुरोहित। तो प्यारे बच्चों, पुरोहितों का शब्द का मूल अर्थ क्या है? पुरोहितों का मूल शब्द अर्थ है सामने रखा हुआ व्यक्ति। मैंने बताया ईश्वर हमारा चरवाहा है और हम सब भेड़े हैं। ईश्वर हमेशा हमारे आगे है और भेड़ उसके पीछे चलती है। उसी तरह पुरोहित भी हमेशा हमारे आगे रहते हैं और हम सब उसके भेड़े हैं। तो याजक का शब्द अर्थ है पूजा करने वाला या यज्ञ करने वाला। पुरोहितों का कार्य क्या है? पुरोहितों का कार्य है बलिदान में भाग लेना। पुरोहितों का कार्य शिक्षा देना, पवित्र करना और अगुवाई करना। इन कर्तव्यों को कलीसिया में निभाने के लिए ही एक व्यक्ति पुरोहित के पद पर अभिषिक्त किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग पुरोहित के लिए नहीं बुलाए जाते हैं, लेकिन चुने हुए लोग ही पुरोहित बन सकते हैं। ईसा सब लोगों को तो बुलाया है, लेकिन किसी को पुरोहित का, किसी को सुसमाचार का, किसी को शिक्षा का वरदान दिया है। सभी पुरोहितों को अलग अलग तरीके से उन्होंने बुलाया है, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को चंगाई प्रदान करने का। ये सभी वरदान ईसा ने पुरोहितों को दिया है। जब हम देखते हैं हमारे आसपास के लोगों को, सभी लोग पुरोहित नहीं बनते हैं, लेकिन चुने हुए लोग ही पुरोहित बनते हैं। पुरोहित का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ईसा मसीह उन लोगों को ही बुलाते हैं जो ईसा का कार्य कर सकें। प्रभु ईसा ही हमारा शाश्वत पुरोहित है। ज्ञान स्नान द्वारा हम सब ईसा की पुरोहिताई में सहभागी बनते हैं। पवित्र वचनों को सीखते और सिखाते हुए और संस्कारों में, विशेषकर पवित्र बलिदान में भाग लेते हुए तथा आदर्श जीवन बिताते हुए हम पुरोहिताई का दायित्व निभाते हैं। इस पुरोहित को सामान्य पुरोहित अथवा राजकीय पुरोहित कहते हैं। पुरोहितों की नियुक्ति के लिए पुरोहित अभिषेक संस्कार रखा गया है, इसलिए हम सभी को अगुवाई करने के लिए एक पुरोहित अभिषेक का संस्कार रखा गया है। पुरोहितों का सबसे बड़ा कर्तव्य है बलिदान चढ़ाना, इसलिए हम पुरोहितों का महत्व समझकर हम कलीसिया के पुरोहितों का आदर सम्मान करें और उनके द्वारा ईश्वर हमें जो जो अनुग्रह प्रदान करते हैं उनके प्रति ईश्वर को धन्यवाद दें। पुरोहितों की बुलाहट के लिए हम प्रार्थना करें। तो प्यारे बच्चों, इतना अभी तो समझ में आ गया होगा कि पुरोहित अभिषेक के बारे में समझ में आ गया होगा ना? तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न तैयार करके रखी है। पहला क्वेश्चन है मेल मिलाप संस्कार का अर्थ क्या है? दूसरा है मेल मिलाप संस्कार को सुयोग्य रूप से ग्रहण करने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान देना है? तीसरा, रोगी लेपन संस्कार किसे कहते हैं? चौथा, पुरोहित शब्द का मूल अर्थ क्या है? पांचवा, याजक शब्द का अर्थ क्या है? तो याद रखने के लिए संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 2 वाक्यांश 5 पढ़ना और संत लूकस के अध्याय 19 वाक्यांश 5 याद करना। तो प्यारे बच्चों, तो आइए हम इसी के साथ आज के क्लास को समाप्त करने जा रहे हैं।
तो सभी लोग हाथ जोड़ें और पिता ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रेमी पिता, आज हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हम सभी को आपके वचन को सुनने, समझने और उसको अपने जीवन में लाने के लिए हमें एक वरदान दिया है। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज आप हमारे साथ रहा, हमारी हर एक चीज़ों में आपका अनुग्रह रहा, इसलिए हम आपको सारे दिल से धन्यवाद देते हैं। आमीन।